कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की सहायता के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने घोषणा की है कि इस महामारी में कोरोना पॉजिटिव हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार वालों को चिकित्सा सहायता के रूप में 5,000 से 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। निर्माण श्रमिकों के RT-PCR रिपोर्ट की ICMR के पोर्टल पर जांच कर सहायता राशि को सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा। ये सहायता राशि कोरोना काल के दौरान श्रमिकों के वित्तीय संकट को कम करने में मदद करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी श्रमिकों और प्रवासियों से अपील कर कहा कि वे दिल्ली ना छोड़ें, क्योंकि दिल्ली सरकार उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। केवल इतना ही नहीं, पिछले वर्ष दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या करीब 55,000 थी। इन्हें पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से प्रत्येक को 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई थी। वहीं इस साल की बात करें तो अब तक लगभग 2,00,000 श्रमिकों को 100 करोड़ की सहायता राशि दी जा चुकी है। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों और प्रवासियों की अन्य जरूरतों का ध्यान रखते हुए दिल्ली में स्कूल और कंस्ट्रक्शन साइट को तब्दील कर करीब 150 फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू कर दिए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग 83,000 फूड पैकेट बांटे जा चुके हैं। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।